गुड मॉर्निंग बच्चों, आज फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें पुराने वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन एवं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो हमसे टेलीग्राम ग्रुप की सहायता से जुड़ सकते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो आज से हम बेसिक मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, जो कि आपको फिजिक्स में मदद करेगा, साथ ही साथ फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उसके लिए बहुत जरूरी है बेटा। इसलिए आपको बेसिक मैथ्स आना चाहिए। अगर आपको बेसिक मैथ्स नहीं आएगा तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स एवं उसके व्यंजक को समझने में आपको बहुत तकलीफ होता है, और ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप इस कॉन्सेप्ट की मदद से भविष्य में जैसे आप नीट एग्जाम देंगे, आईआईटीज देंगे, जेई मेंस देंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो आपके लिए बहुत ही मदद करेगा। ठीक है बेटा, तो आज से हम बेसिक मैथ्स क्लास में पहला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, त्रिकोणमिति। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, त्रिकोणमिति को अगर हम बारीकी से देखें तो त्रि मतलब होता है बेटा तीन। क्या बोलते हैं बेटा? तीन। कोण तो समझ में आता है बेटा, कोण एंगल है ना। क्या बोलते हैं? एंगल। एंगल किसको बोलते हैं बेटा? जब भी दो रेखा आपस में एक दूसरे से झुकते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? कोण बोलते हैं। दो रेखा आपस में मिलकर झुककर जो कोण बनाता है हम उसी को क्या बोलते हैं? कोण। मिति मतलब होता है बेटा यहां संरचना। मिति मतलब क्या है? संरचना से मतलब है। कौन सी संरचना से मतलब बेटा? ज्यामिति संरचना। कौन सा संरचना बेटा? ज्यामिति संरचना से मतलब है। तो हम त्रिकोणमिति का बेसिक डेफिनेशन क्या बना सकते हैं? तीन कोण वाला ज्यामिति संरचना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं बेटा? त्रिकोणमिति। देखते हैं एग्जांपल्स में, जैसे तीन कोण वाला क्या होगा? ये भी हो सकता है बेटा। ये देखो तीन कोण वाला है, ये एक कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, ये भी एक तीन कोण वाला है बेटा। देखो ज्यामिति संरचना, एक कोण, दो कोण, तीन कोण। लेकिन जो त्रिकोणमिति होता है बेटा डिफाइन कैसे होता है? तीन कोण तो होना ही चाहिए, लेकिन मस्ट भी है, नेसेसरी है कि उसके लिए एक कोण का मान, एक कोण का मान क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। कितना होना चाहिए बेटा? 90 डिग्री। वहां हम त्रिकोणमिति को परिभाषित करते हैं। तो मस्ट भी है, नेसेसरी है कि उसका एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। कितना होना चाहिए बेटा? 90 डिग्री। ठीक है, तो हम इसी के लिए परिभाषित करेंगे। इसी त्रिभुज को हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में परिभाषित करते हैं बेटा। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, इसका एक कोण हमने क्या लिया? 90 डिग्री। ए इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बेटा बी, इसका नाम रख दिया सी। देख लीजिए बेटा, अब यहां पर दो कोण है हमारे पास, एक कोण ये है बेटा और एक कोण ये है। अब हम दोनों कोण के लिए डिफाइन कर सकते हैं। मान लेते मैं इस कोण के लिए डिफाइन कर रहा हूं, इस कोण के लिए डिफाइन करूंगा तो ये वाला भुजा उसके लिए क्या कहलाएगा? लंब। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? परपेंडिकुलर। और शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख देते हैं? पीईआर, परपेंडिकुलर। इसके सामने वाला भुजा ये क्या कहलाएगा बेटा? कर्ण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाइपोटेनियस। हाइपो शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं अपन लोग। इसको क्या बोलते हैं बेटा? आधार। क्या बोलते हैं बेटा? आधार। आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। अगर मैं इसी समकोण त्रिभुज को ऊपर वाले कोण के लिए डिफाइन करता, इस वाले कोण के लिए, तब क्या होता? हमने नाम लिख दिया ए बी सी। तो इस कोण के लिए डिफाइन करेंगे तो ये लंब होगा बेटा। लंब मतलब परपेंडिकुलर। इसके सामने वाला भुजा कर्ण बेटा, इसको क्या बोलेंगे?
हाइपोटेनियस, इसको क्या बोलते हैं बेटा, बेस। क्या बोलते हैं? बेस। बेस यानी कि आधार। अब थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, क्या ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखेंगे, देखो जहां पर 90 डिग्री बनता है, ये देखो इन दो भुजा से 90 डिग्री मिलकर बना है, ये दोनों भुजा मिलकर आपस क्या बना रहे बेटा, 90 डिग्री। तो ये दोनों भुजा तभी भी कर्ण नहीं हो सकता, कर्ण नहीं हो सकता। देखो इसमें देखो, यहां इन दोनों भुजा मिलकर क्या बना बेटा, 90 डिग्री का कोण बना रहे आपस, 90 डिग्री का कोण। जहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनता है, जिन दो भुजा मिलकर बनाएंगे, वो कभी भी, वो वाला भुजा कभी भी क्या नहीं होगा बेटा, हाइपोटेनियस। क्या नहीं होगा बेटा, हाइपोटेनियस। ठीक है, अब यहां पर हम पहला परिभाषित करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पहला है ना बेटा, तो पाइथागोरस प्रमेय हमने 9 क्लास में पढ़ा बेटा, 10 क्लास में, तो हमको सबको पता है क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग। यह आपको ध्यान, जिस त्रिभुज के लिए डिफाइन करोगे उसके लिए आप नाम लिख देना बेटा, चाहे इसके लिए डिफाइन करना है या इसके लिए डिफाइन करना है। इसमें दोनों फर्क केवल क्या है, कोण का फर्क है बेटा, किसका पर निर्भर है, कोण का। ठीक है, तो यह पाइथागोरस प्रमेय बेटा, क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है बेटा, इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ते बेटा। ठीक है, उसके अलावा हम एक समकोण त्रिभुज लिए बेटा, इस समकोण त्रिभुज में जो कोण है जिसके लिए हम डिफाइन करेंगे वो क्या है बेटा, बी ए सी, कोण कितना बेटा, थीटा में। तो हम इस कोण थीटा में डिफाइन करने जा रहे हैं बेटा, कैसे डिफाइन करेंगे, देखो पहला आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन थीटा, क्या आता है बेटा, साइन थीटा। साइन थीटा किसको बोलते बेटा, लंब बटे कर्ण, किसको बोलते बेटा, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है बेटा, बीसी, कर्ण क्या है, एसी। कॉस थीटा बेटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है बेटा, ए बी, कर्ण क्या है बेटा, एसी। टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब क्या है बेटा, बीसी, आधार क्या है बेटा, ए बी। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है बेटा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार क्या है बेटा, ए बी, लंब क्या है बेटा, बी सी। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है बेटा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ध्यान दो इधर, कर्ण बटे आधार, एसी बटे, एसी बटे ए बी, ए बी। कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, एसी बटे, एसी बटे बीसी। तो हमारे पास छह त्रिकोणमिति रेशियो होते बेटा, साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक, ये छह रेशियो बेटा। अब इनका आपस में भी रिलेशन होता है बेटा, क्या होता है, आपस में भी रिलेशन। जैसे देखो बेटा आपस में रिलेशन कैसे होता है, साइन थीटा को हम लोग क्या लिखते बेटा, एक बटे कोसेक थीटा, ये आपको ध्यान रखना। कॉस थीटा बराबर क्या होता बेटा, एक बटे सेक थीटा। ठीक है बेटा, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, एक बटे कॉट थीटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। साथ साथ हम क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक है बेटा, देख लीजिए, ये आपको ध्यान। ठीक, उसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये छोटे छोटे रिलेशन है बेटा, ये
रिलेशन है ना, याद रखना ठीक है। साथ साथ हम इसके बाद बहुत सारे रिलेशन बना सकते। देखो बेटा अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा बेटा, वन आ जाएगा। हम ऐसा भी लिख सकते, देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन। फिर क्या लिख सकते बेटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर वन, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू वन, ये भी आ जाएगा बेटा। और ढेर सारे रिलेशन होते हैं बेटा, और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, तभी आ जाएगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा, फिर आ जाता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आ जाता है बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये ढेर सारे रिलेशन है बेटा। इसी प्रकार हम इसको स्क्वायर करके भी लिख सकते बेटा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो टेन स्क्वायर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर तो कॉट स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते बेटा। तो ये सब क्या है, रिलेशन है। क्या है बेटा, रिलेशन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का आपस में क्या रिलेशन होता है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट से अगर हम न्यूमेरिकल बनाना चाहें तो देखो बेटा कैसे बनाएंगे। ठीक है, गुड। ठीक है बेटा, तो एक छोटा सा प्रश्न लेते बेटा, यदि कॉस थीटा बराबर चार बटे पांच हो तो शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए, शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है बेटा त्रिकोणमिति अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं अपन लोग, समकोण त्रिभुज के लिए बेटा। ये देखिए, तो हम लोग यहां पर क्या दिया है, कॉस थीटा, तो हम कोण को क्या मानेंगे बेटा, थीटा। ये कोण हो गया, ये 90 डिग्री हो गया बेटा, ये क्या कहलाता है बेटा, लंब। ये क्या कहलाएगा, कर्ण। इसको क्या बोलेंगे बेटा, आधार। क्या बोलते हैं बेटा, आधार। ये ए हो गया बेटा, ये बी और ये सी। अब हमको प्रश्न में क्या दिया बेटा, कॉस थीटा दिया। क्या दिया बेटा, कॉस थीटा बराबर कितना दिया, चार बटे पांच। अब यहां पर थोड़ा ध्यान रखना बेटा, है ना, बहुत सारे है ना, बहुत सारे बच्चे कैसे करते हैं यहां से कि कॉस थीटा चार बटे पांच दिया तो आधार क्या मान लेते हैं, चार, कर्ण क्या मान लेते बेटा, पांच, और इस तरीके से हल करते। इस तरीके से आपको हल नहीं करना बेटा, ठीक है, ये आपको ध्यान, क्योंकि हमको ये नहीं पता ना बेटा, ये रेशियो में दिया है। क्या दिया है, रेशियो में। ये कुछ भी हो सकता है, ये 40/50 रहा होगा या कुछ और रहा होगा, ये कटने के बाद क्या होगा बेटा, चार बटे पांच आए, इसलिए आप आधार चार है नहीं बोल सकते, कर्ण पांच है नहीं कह सकते, ठीक है। तो हम कैसे हल करते, तो आपको याद होगा चार बटे पांच तो लिख दिए, कॉस थीटा वर्ग क्या होता है बेटा, परिभाषा से आपको पता है, आधार बटे कर्ण। क्या पता है बेटा, आधार बटे कर्ण। तो ये लिख दिया हमने चार बटे पांच आधार बटे कर्ण। अब हम इस कॉन्स्टेंट मान लेंगे एक्स, क्या मानेंगे बेटा, कॉन्स्टेंट एक्स, अभी नहीं मानते, चलिए इसको और हल कर लेते, थोड़ा सा इजी पड़ेगा आपको। तो आधार कितना आ जाएगा बेटा, चार, कर्ण कितना आएगा, पांच, ये पांच हो गया है ना, इसको साइड चेंज करा दी, तो आधार के नीचे में क्या आ जाएगा, चार, और कर्ण उधर चला जाएगा बेटा, कर्ण बटे पांच। इसको हमने नियत क्या मान लेते, एक्स, एक नितांक है एक्स, ठीक है बेटा, जिसका रेशियो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो आधार बराबर क्या निकल जाएगा, इससे आधार बराबर मिलेगा बेटा आपको फोर एक्स, और कर्ण बराबर क्या मिलेगा बेटा, आधार बराबर क्या मिलेगा, फोर एक्स, क्योंकि हम इन दोनों को लेकर हल करेंगे बेटा, और जब कर्ण निकालना रहेगा इन दोनों को लेकर हल करेंगे तो कितना आएगा, देखो 5x, क्या आएगा बेटा 5x। अब हम इसको यहां रखेंगे, ठीक है, तो लंब के आधार कितना मिला 4x, कर्ण कितना मिला 5x, अब हमको क्या चाहिए, लंब। तो लंब निकालने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिलेगा बेटा, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना मिला बेटा, 5x का स्क्वायर, लंब कितना मिला बेटा, हमको लंब चाहिए, लंब मिला नहीं हमको, आधार कितना मिला है 4x, तो 4x का स्क्वायर, इससे क्या मिल जाएगा बेटा आपको 25x स्क्वायर, ये कितना होगा बेटा 16x स्क्वायर, इधर साइड चेंज कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसके बाद लंब का स्क्वायर,
इसको घटा दीजिए बेटा तो कितना आएगा 9x² ये आ जाएगा लंब का स्क्वायर। तो लंब बराबर कितना आएगा बेटा, लंब बराबर आएगा 3x। लंब बराबर कितना आएगा बेटा 3x। क्लियर, गुड। अब इसको हल करेंगे बेटा। तो पहला हमको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है बेटा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है बेटा 3x, कर्ण कितना बेटा 5x, ये आ जाएगा 3/5। कॉस थीटा तो ऑलरेडी हमारे पास है बेटा, हमको कॉस थीटा नहीं निकालना है। कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया बेटा, ऑलरेडी हमको दिया हुआ 4/5। क्या निकालना है, टेन थीटा लंबटे आधार, लंबटे आधार। लंब कितना बेटा 3x, आधार कितना है 4x, तो कितना आएगा 3/4। ठीक है बेटा, कॉस टेन थीटा के बाद क्या आता है कॉट थीटा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बेटा, आधार है 4x, कर्ण कितना है बेटा सॉरी बेटा आधार बटे लंब हो गया ना, ये 3x आ जाएगा, ये होगा 4/3। फिर उसके बाद क्या आता है बेटा सेक थीटा, तो सेक थीटा और क्या होगा बेटा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है बेटा 5x, आधार कितना है 4x, कितना हो जाएगा 5/4। ध्यान से देखते जाइए। उसके बाद आता है कोसेक थीटा, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 5x, लंब कितना बेटा 3x, ये आ जाएगा 5/3। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक, नोट कर लो बेटा इसको। ठीक है बेटा, उसके बाद ये दो क्वेश्चन आपके लिए बेटा होमवर्क है। इसे आप वीडियो को पॉज करके आप इसे खुद से ट्राई करिए ताकि आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आ सके। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, यदि टेन थीटा बराबर 12/5 हो तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रॉब्लम बेटा, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, इसको अच्छे से आप घर में प्रैक्टिस